Actually, the people are very much hurted by this GST and demonetization. So they want just relaxation. आम आदमी को या व्यापारियों को सबसे ज्यादा टैक्स रिलीफ की एक्सपेक्टेशन है। इस आम बजट से लोगों को एक तो क्या है, जो आम आदमी को इस नोटबंदी कारण और दूसरा जीएसटी कारण तकलीफें हुई है, उन तकलीफों से थोड़ा सा जो प्राइम मिनिस्टर सभी इलेक्शंस में, गुजरात इलेक्शंस में प्रॉमिस करके गए सूरत में व्यापारियों के सब साथ में, तो वो दूर करें। एफडीआई का विरोध पहले इन्हीं लोगों ने किया था कि एफडीआई नहीं होनी चाहिए, अब वापस मतलब ना जो वर्तमान में बोले एफडीआई होनी चाहिए, तो एफडीआई हो जाएगी तो जो बाहर के लोगों का जो सामान है, जो आज जैसे पहले अपन ने विरोध किया था कि ये मॉल्स यहाँ नहीं आने चाहिए, इनका विरोध भी किया था इन लोगों ने, और वापस अब बोले ये सारे आ जाएंगे तो यहाँ की जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी इतनी ताकत नहीं कि उनके आगे ठहर सके। थोड़े से प्रैक्टिकल जो है ना अप्रोच होनी चाहिए, कोई भी टैक्स लगाओ तो उस पर प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए कि वास्तव में क्या प्रॉब्लम है। आज जैसे कपड़े पर टैक्स लगा दिया, प्रैक्टिकल 5% टैक्स लगा दिया, आपको यही पता नहीं कि कपड़ा कितना मीटर बनता है हिंदुस्तान में, मतलब ना। माय नेम इज गोविंद जिंदल एंड आई एम इन टेक्सटाइल सिंस लास्ट 30 इयर्स। एक्चुअली द पीपल आर वेरी मच हर्टेड बाय दिस जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन, सो दे वांट जस्ट रिलैक्सेशन। दो द प्राइम मिनिस्टर हैज डन अ गुड थिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी वाज स्प्रेडिंग ऑल ओवर इन द कंट्री। कि देखिए जहाँ कंपटीशन है वहाँ पे प्राइस डाउन होता ही है, और अभी वो स्वदेशी विदेशी वाली चीज़ें नहीं रही हैं। अगर विदेशी अगर हमारे टर्म्स पे अगर हिंदुस्तान में माल बेचते हैं, बनाते हैं या मार्केटिंग करते हैं, तो यहाँ वालों को कंपटीशन तो मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान तो रहेगा ही कि यहाँ की इंडस्ट्रियाँ तबाह ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कुछ भी बनाया, कुछ भी बेच दिया, तो एक ऑप्शन तो हमेशा होना ही चाहिए, और ये अच्छा स्टेप है। और जिस हिसाब से देवोस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तरह से रेड कारपेट के ऊपर जो स्पीच दिया, सब कुछ किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक आदमी इतनी बुरी तरीके से देश के उत्थान में लगा हुआ है, जो 4 घंटे सोता है हार्डली, वो भी एयरक्राफ्ट में, तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि जो आदतें पड़ गई हैं व्यापारियों की, इजी गोइंग की, जिसमें हम भी शामिल, लेकिन अच्छी बात है कि ये सिस्टम आया है, और ये 2019 के बाद के अंदर लोग याद रखेंगे, जिस तरह से लोग गांधी बुद्ध को याद रखते हैं, इसी तरह मोदी साहब को याद रखें। We are in textile field since 1975. We manufacture, we are the manufacturer of cotton shirtings. Basically, general budget से आम आदमी को या व्यापारियों को सबसे ज़्यादा टैक्स रिलीफ की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जीएसटी के पहले जो टैक्स स्लैब थे वही टैक्स स्लैब अभी कंटिन्यू होते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट को जीएसटी से काफ़ी सारी इनकम हो रही है। तो जनरली यही एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स के अंदर टैक्स बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। अभी अपने देखे जाए तो अपनी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन रिजर्व की काफ़ी ज़रूरत है। फॉरेन रिजर्व जितना ज़्यादा होगा उतनी अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी बढ़िया एफडीआई का स्टेप लिया है, लेकिन उसके सेकंड साइड देखने जाए तो इसी गवर्नमेंट ने पहले इसका बहुत विरोध किया था। तो हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उन्होंने जिस पॉइंट्स को लेकर इसका विरोध किया है वो सबको ओवरकम करने की कोई नई पॉलिसी ला के उनको अलाउ करें, क्योंकि एफडीआई ऑलरेडी ज़रूरत है इंडिया को, क्योंकि इंडिया के पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन मेक इन इंडिया अभी क्या इतना सक्सेसफुल है, क्या सभी सेक्टर के अंदर सक्सेसफुल है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जब तक हम वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के एफडीआई को अलाउ करने की परमिशन देते हैं कि नहीं, हमें मेक इन इंडिया को भी साथ में रखना है और एफडीआई को भी साथ में रखना है, तो गवर्नमेंट को कुछ इस टाइप की पॉलिसी लानी चाहिए कि जिससे कि आम आदमी या छोटा व्यापारी है उसको नुकसान भी ना हो और एफडीआई भी सक्सेसफुली इंडिया के अंदर रन कर सके। अभी भी काफ़ी सारी रूल्स रेगुलेशन आना बाकी है। जैसे 1 फरवरी से हम सुनने जा रहे हैं कि ईवे बिल आ रहा है, उसको लेके सभी व्यापारियों के बीच में एक बहुत बड़ा डर का माहौल है। 50,000 लिमिट जो बताई हुई है या 10 किलोमीटर की रेंज के बाहर ईवे बिल है, तो सबके पास वो एक तो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो पहले टेक्निकली अपने को इतना इम्प्रूव होना है, वेबसाइट इतनी इम्प्रूव करनी है, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक लेवल पे लोगों को तकलीफ़ कर रही है उससे ओवरकम अभी हम हो ही नहीं पा रहे हैं।
तो जीएसटी को फुल फ्लैश में एक साथ में इम्प्रूव करने की जो प्लानिंग गवर्नमेंट की है उससे काफ़ी तकलीफ पड़ने वाली है।